ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज की काफी इंटरेस्टिंग और थ्रिल से भरी मूवी है। इस मूवी में पिछले दो पार्ट के आगे की स्टोरी को बताया गया है। मूवी की शुरुआत में हम चार कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। वो चारों उसी जगह कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। अब ट्रे आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने वहां से निकल जाता है और सोफी और एलेक्स वही बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर ब्रांट आ जाता है। इसलिए एलेक्स ट्रे को ढूंढते जंगल में चली जाती है। अब सोफी और ब्रांट अकेलेपन का फायदा उठाकर वही शुरू हो जाते हैं। तभी एक तीर सोफी की छाती से आर पार होकर ब्रांट के हाथों में घुस जाता है। अभी वो हालात समझ भी नहीं पाए थे कि और एक तीर आकर सोफी की आंख बाहर निकालता है और जगह पे ही सोफी मर जाती है। उसे देखकर ब्रांट वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है। वो देखकर सोफी वही छिप जाती है, लेकिन तभी ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहां आ जाता है और थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। लेकिन ट्रे जैसे तैसे वहां से बचकर निकल जाता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार ही देता है। और इधर ब्रांट भागते भागते थ्री फिंगर के ट्रैप में फंस जाता है और उसके भी तीन टुकड़े हो जाते हैं। अब इन चारों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची होती है। अब अगले सीन में वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को दिखाया जाता है जहां पर 5 कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट करना था और ये काम करने के लिए 3 ऑफिसर्स को चुना गया था। उन कैदियों में एक था चेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। ये ट्रांसफर उसी के हाई सिक्योरिटी के लिए हो रहा था। असल में उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को पता लग गया था कि चेविस के लोग रास्ते में बस हाईजैक कर सकते हैं, इसलिए वो ट्रांसफर का समय बदलकर अपना रूट भी चेंज करते हैं। अब वो 3 ऑफिसर्स सारे कैदियों को एक बस में बैठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। बस थोड़ी देर चलने के बाद एक पुलिस स्टेशन पर रुकती है जिसमें हम शेरिफ कारगर और डिप्यूटी लेन को देखते हैं। अब अगले सीन में हम एक म्यूटेंट को देखते हैं। ये वही म्यूटेंट है जिसे पिछले मूवी में थ्री फिंगर एक बेबी म्यूटेंट को खून पिला रहा था। अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि वो एक ट्रैप खुद लगा सके, क्योंकि वो एक ट्रैप लगाते लगाते खुद ही उसमें फंस जाता है। तभी थ्री फिंगर उसे वहां से बाहर निकालता है और ट्रैप लगाने में उसकी मदद करता है। अब इधर कैदियों की बस फिर से आगे के सफर के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद एक ट्रक उस बस का पीछा करने लग जाता है और वो ट्रक थ्री फिंगर चला रहा होता है। वो बस के टायर में काटिले तार फंसा कर उसे पंक्चर कर देता है, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस वक्त वो उन पर हमला नहीं करता। पुलिस ऑफिसर नेड सब कैदियों को बाहर निकालता है। तभी मौका देखकर जेविस उससे गन छीन लेता है, लेकिन पीछे से ऑफिसर फ्लेजलो जेविस के ऊपर गन तान देता है। लेकिन तभी एक चाकू आकर फ्लेजलो की गर्दन के पार हो जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब सारे कैदी समझते है कि ये सब जेविस के लोग कर रहे हैं। तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश हो जाती है, जिससे उन्हें यह साफ हो जाता है कि ये जेविस के लोग नहीं है। अब बंदूक की नोक पर जेविस नेड को कहता है कि वो सब की हथकड़ियां खोल दे, जिस पर नेड कहता है कि चाबी तो बस के अंदर ही है और बस को तो आग लग गई है। लेकिन बंदूक की नोक पर होने की वजह से नेड चाबी लाने बस में जाता है। तभी वहां पे एक ऑफिसर भी घायल पड़ा होता है। नेड फौरन उसे वहां से निकालता है और तभी बस ब्लास्ट हो जाती है। अब नेड जो चाबियां लेकर आया है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। फिर भी जेविस नेड को नहीं मारता, क्योंकि उसे पता था कि नेड ही एक ऐसा था जो उन्हें इस जंगल से बाहर निकल सकता था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक झाड़ियों से बाहर निकलकर एक लड़की नेड पर हमला कर देती है और वो लड़की एलेक्स थी। वो उन्हें यहाँ की सारी कहानी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में बता चुकी थी, तो उस पर जेविस उसे उनकी लोकेशन तक ले जाने को कहता है। इस पर एलेक्स ना चाहते हुए भी उन्हें वहां ले जाने लगती है। तभी रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो पलटी हुई होती है। जेविस नेड को उसकी कैबिन चेक करने भेजता है और उसे वहां पर उसकी चाबी और एक गन मिलती है। वो गन नेड वॉल्टर को दे देता है। अब वो सब वैन को चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि पूरी वैन पैसों से भरी हुई है। इतने पैसों को देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और जेविस सबको दो दो बैग उठाने को कहता है, लेकिन वॉल्टर जख्मी था तो वो बैग उठा नहीं सकता था, जिस पर जेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने को कहता है और मौका देखकर वॉल्टर जेविस को शूट करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां नहीं होती और इस बात के लिए जेविस उसे मार देता है और नेड कुछ भी नहीं कर पाता। अब जेविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और रास्ता दिखाना एलेक्स का काम था, इसलिए वो सबके आगे होती है।
अब चलते चलते उसका पाव एक ट्रैप में आ जाता है, लेकिन नेड उसे बचा लेता है और वो ट्रैप वही था जो थ्री फिंगर और थ्री डॉस ने सेटअप किया था। अब अचानक थ्री डॉस वहां से बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविस उसे गोली मारकर गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। इस पर जेविस को एक आइडिया आता है और वो थ्री डॉस का सिर काटकर वहीं लकड़ी पे टांग देता है ताकि थ्री फिंगर को नीचा दिखा सके। अब थ्री फिंगर वहां पहुंचता है तो वो थ्री डॉस का सिर देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यानी अब वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ चाबियां नजर आती है जिसे जेविस पकड़ लेता है, लेकिन बिली फौरन समझता है कि ये कोई ट्रैप होगा और वो जेविस को आगे धकेल कर उसे बचा लेता है, लेकिन इसकी वजह से वो खुद उस ट्रैप में फंस जाता है और वो अपनी जान गंवा बैठता है। अब जेविस उसकी टांगे काट देता है क्योंकि वो सारे एक चेन से बंधे थे और ऐसा करने से बिली उनके चेन से अलग हो जाता है और वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में डिप्टी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट की लीड मिल जाती है और शरीफ के पास नेड की कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफी फिकरमंद होता है। इसलिए वो उन लोगों को ढूंढने जाता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट को ढूंढने जाती है। इधर वो सब एक पुराने घर में चले जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से वो आसानी से अपनी चेन को काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर थ्री फिंगर का ट्रक होता है। अब यहां पर उन सबको पता होता है कि ये कोई ट्रैप होगा, लेकिन फिर भी जेविस एक कैदी को जबरदस्ती आगे भेजता है और जैसे ही वो उस ट्रक के पास जाता है थ्री फिंगर उसे कटीली तारों में फंसा कर वहां से ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर उस कैदी को घसीट कर मार देता है। इधर मौका देखकर फ्लोट जेविस पर हमला कर देता है और तब एलेक्स और नेड वहां से भाग जाते हैं। जेविस फ्लोट को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और वो और एक कैदी उसे वहां पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इधर शरीफ उस बस तक पहुंच जाता है और वहां के हालात हाई कमांड में ट्रांसफर कर देता है और वो अपने डॉग को लेकर नेड को ढूंढने चला जाता है। इधर ब्रैंडन जेविस को कहता है कि उन्हें पैसों को वही छोड़कर नेड को ढूंढने जाना चाहिए। जेविस उसकी बात मान लेता है और वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं और वो दोनों नेड को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद जेविस उसे मारने ही वाला होता है तभी नेड उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और नेड उसे वहाँ पर ले जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते है तो वो देखते है कि वो वॉच टावर तो जलकर राख हो चुका है और ये वॉच टावर रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में ही उन म्यूटेंट्स ने जला दिया था। वहाँ पर कुछ न मिलने पर जेविस नेड को शूट करने ही लगता है तभी वहाँ पर शरीफ का डॉग उसे पकड़ लेता है और शरीफ भी वहाँ पर पहुंचकर जेविस को गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर जो काफी देर से पेड़ पर चढ़कर बैठा था वो एक भाला फेंकता है जो सीधा शरीफ के आर पार हो जाता है। अब एक बार फिर से जेविस शरीफ की गन छीन के नेड को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर वो अपना सारा पैसा लेने वापस जाता है, लेकिन फ्लोट सारा कैश लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और उसकी आवाज सुनकर जेविस फ्लोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही थ्री फिंगर वहां पहुंचकर फ्लोट को जला देता है और उसी के साथ सारा पैसा भी जल जाता है। अब ये लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर की ट्रक उनके सामने आ जाती है। अब इस बार जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने ढकेल देता है और थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर वहां से चला जाता है। नेड उसे बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और शूट करने ही वाला होता है कि ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वही छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर में बांध देता है और वहीं पर हमें डिप्टी लेन की बॉडी भी दिखाई देती है जिसे शायद थ्री फिंगर पहले ही मार चुका था। ब्रैंडन वहां से भाग रहा होता है तभी अचानक जेविस वहां आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी थ्री फिंगर वहां पहुंच जाता है और उन दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है और जेविस थ्री फिंगर का थोबड़ा मार मार कर और भी ज्यादा खराब कर देता है, लेकिन आखिर में थ्री फिंगर जेविस के हाथ में हुक घुसाकर उसका हाथ फाड़ देता है। इसके बाद वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खा जाता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। इधर नेड को शरीफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स तक ले जाता है। वो एलेक्स को ढूंढकर वहां से भाग ही रहा होता है कि वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेड को मारने ही वाला होता है कि एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री डॉस का सिर रखा था वो थ्री फिंगर के आर पार कर देती है और वो दोनों उसका खटारा ट्रक लेकर वहां से निकलने लगते हैं।
लेकिन थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं होता। वो फिर से ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़कर नेड को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक बेकाबू होकर क्रैश हो जाता है, जिससे ट्रक में आग लग जाती है। इतनी देर में ब्रैंडन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर से नेड को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेड उसी का हुक लेकर उसके चेहरे में घुसा देता है और उसे ट्रक के ऊपर फेंक देता है। तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे थ्री फिंगर भी जल जाता है। अब नेड ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है और वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद वहां पर मदद आ जाती है, जिससे नेड और एलिस की जान बच जाती है। अब कुछ दिनों के बाद नेड पैसों के लालच में दोबारा वहां पर आता है, लेकिन तभी पीछे से उसे कोई मार देता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्रैंडन था, जिसे नेड ने आज़ाद कर दिया था। ब्रैंडन भी वहां पर पैसे लेने आया था। ब्रैंडन वहां से पैसे उठाने लगता है, तभी वहां और कोई म्यूटेंट आकर उसे मार देता है, लेकिन हमें पता नहीं चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।